भक्तगणों, आज मैं माता हर सिद्धि के दर्शन करूंगा और ये 10 मिनट का वॉक है महाकालेश्वर धाम से। और जिस मैं इसमें एंटर किया हूँ, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एक प्राचीन मंदिर है जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। और इसमें माता अन्नपूर्णा के दोनों तरफ, एक तरफ माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी विराजती हैं। और अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ये सामने जो दिया खम्ब है ये मराठा स्टाइल में बना हुआ है और 1008 दिए हैं जो सुबह और शाम को दो समय दिया आरती होती है, शाम को लगभग 6 और 7 के बीच में। और अगर आपको दिया प्रज्वलित करना है तो 6:30 के करीब आप पहुँच सकते हैं और बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं। 20-25 मिनट दिया भी प्रज्वलित होगा, शाम का समय ये। और देखिए ये जो मंदिर है इसमें माता के अलग अलग रूप विराजते हैं, हर्षल माता, हर्षद, हर्षद शिकोतर, माता शिकोतर ममाई, वाहनावती माता, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। माता अम्बा और कालिका का ही एक रूप है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैंने सोचा आपको थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ वो आपको ज़रूर शेयर करूँ। यहाँ पे दो तरीके से माता दुर्गा की पूजा होती है, एक तो पूजा जो दुर्गा सप्तऋषि पाठ होता है और साथ में नवचंडी हवन भी होता है। ये दोनों तरीके से माता दुर्गा को हम यहाँ पे पूजते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा नीचे उतर के जाते हैं सामने की तरफ तो वहाँ पे एक अखंड दीप है जो सदियों से चल रहा है। हालांकि नीचे पुजारी जाते हैं जो उनकी सेवा और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और दीपक को प्रज्वलित करते हैं, लेकिन हमें अलाउड नहीं है। तो मैंने एक झरोका नीचे दिया हुआ, उसको आप ज़रूर देखें। माता हर सिद्धि के दर्शन बहुत ही संपूर्ण तरीके से हमें इस बार प्राप्त हुए। मैंने बोला आपको भी एक बार झरोका दर्शन और माता के दर्शन जरूर कराऊँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। अब देखिए शाम का समय हो चुका है और किस तरीके से दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। 6:30 और 7 के बीच में सभी भक्तगण भी अपने दीपक को यहाँ पे प्रज्वलित कर सकते हैं। 52 शक्तिपीठ में से एक ये बहुत ही शक्तिशाली और अद्वितीय शक्तिपीठ है माता का, जहाँ पे माता सती का एल्बो, जिसको हम कर्पूरा कहते हैं, वो गिरा था। और शाम को तो भव्य देखते ही बनता है। माता के मंदिर के बगल में ही बैठने की स्थिति है जहाँ पर आसानी से आप बैठ के ध्यान पर जा सकते हैं। तो ओवरऑल मंदिर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा से भरा हुआ मंदिर है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शाम को सुबह को अलग से ही इसके लिए एक दिन रखिए और दर्शन करिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मिस ना करें। और बता